हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर के फॉर्म में रेट कांस्टेंट के का डेरिवेशन किया था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन वहां पर हम लोगों ने अरेंज की थी। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ वॉल्यूम के फॉर्म में रेट कॉन्स्टेंट के किस टाइप से हमें लेना होगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है कि वॉल्यूम के फॉर्म में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कोई रिएक्शन है अपने पास ए जो बी प्लस सी बना रहा है, मतलब ए बी एंड सी आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है जिसमें ए बी और सी प्रेजेंट है, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट उसका ले लिया, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एंड टाइट्रेटेड विद ए सुटेबल रिएजेंट, ठीक है। अब मैंने सर्टेन अमाउंट ए का, बी का और सी का लिया, ठीक है, आपस में एक सोल्यूशन लिया और उसको क्या किया, टाइट्रेट किया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएजेंट से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट उसमें मिलाया। अब वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जैसे ही उसमें मिलाएंगे, ठीक है, तो मिलाने के बाद क्या होगा, वो रिएजेंट किससे रिएक्ट करेगा, केस क्या हो सकता है, ओनली ए बी और सी से रिएक्ट करेगा, या तो वो ए से रिएक्ट करेगा या बी से और सी से भी रिएक्ट कर सकता है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, टू ऑफ देम किसी दो से रिएक्ट कर लेगा, या क्या हो सकता है, ऑल ऑफ देम क्या हो, सभी से रिएक्ट कर लेगा। तो रिएक्ट होने के बाद जो रिएजेंट मैंने ऊपर से मिलाया है किस सॉल्यूशन में, ए बी और सी का एक सॉल्यूशन मेरे पास था, तो जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और सी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए बी और सी, लार्जर इज द वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट कंज्यूम। तो जितना ज्यादा हम लोग लार्जर वॉल्यूम, जितना ज्यादा हम लोग वॉल्यूम हम किसी सॉल्यूशन में मिलाएंगे ए बी और सी जो मैंने लिया है, तो उससे क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा और कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करने करना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कंसंट्रेटेड होता जाएगा वो सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट क्या हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और सी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन का पार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जितना मिलाया जा रहा है, जैसे कि वो सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम क्या है, रिलेटेड टू कंसंट्रेशन होता जाएगा, ठीक है। यहाँ किसी ए बी और सी की कंसंट्रेशन में उसका वॉल्यूम नहीं मिला रहा है, ए का वॉल्यूम नहीं मिला रहा है, ना ही बी का वॉल्यूम मिला रहा है, ना ही सी का वॉल्यूम मिला रहा है। हम लोग ऊपर से एक रिएजेंट ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम मैं सोल्यूशन में मिला रहा हूँ, जिससे कि वो सोल्यूशन क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो ऊपर से जो सोल्यूशन मिलाया जाता है उसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो रिएजेंट का मैंने मिलाया है, ओके। सो जैसे कि मैंने प्रेशर के फॉर्म में तीन केस डेवलप किए थे, ठीक है, सिमिलरली मैं वॉल्यूम के फॉर्म में भी तीन केस यहाँ पर डेवलप करता हूँ। तो आइए देखते हैं तीन केस क्या है। तो मैंने कोई क्वेश्चन के फॉर्म में इसको ले लिया, एक रिएक्शन है ए जो बी और सी बना रही है और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एंड टाइट्रेटेड विद ए स्मॉल रिएजेंट, ठीक है, कुछ अमाउंट रिएजेंट से इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया जा रहा है, एक ए पार्ट, एक बी पार्ट और एक सी पार्ट से। तो ए पार्ट में टाइम अगर जीरो है तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो यूज किया जा रहा है V1 ml का है, यहाँ पर टाइम टी पर V2 ml का है, ये वॉल्यूम सभी जो है वो ml में यूज कर रहा हूं मैं। एक ए पार्ट में मैंने बोला है द रिएजेंट ओनली रिएक्ट विथ ए, ए से ही रिएक्ट कर रहा है, तब फाइंड के निकालना है। बी पार्ट में जीरो पर वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो स्मॉल अमाउंट मिला रहा है, टी पर V2 है और ये जो रिएजेंट है वो तीनों पार्ट से रिएक्ट कर रहा है, ए बी एंड सी से, तब के की वैल्यू क्या होगी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सी पार्ट में जीरो टी और इनफाइनाइट टाइम पर मैंने लिया है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो मिलाया जा रहा है टाइट्रेट करना है, जिससे वो वी जीरो वी टी एंड इनफाइनाइट पर वी इनफाइनाइट, इस टाइप से मैंने रिप्रेजेंट किया है और ये जो रिएजेंट है वो तीनों से ही रिएक्ट कर रहा है, तब हमें के फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं ए पार्ट कैसे करना होगा। तो एकदम जैसे मैंने प्रेशर के फॉर्म में लिखा था रेट कांस्टेंट के को, सिमिलरली उसी टाइप से ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जितना हम लोग मिलाते हैं, जिससे हम लोग टाइट्रेट करते हैं, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जाता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो लिखा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं अभी, तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट। तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट ये हमारे पास पता चल चुका है। अब जैसे कि मैं अगर रिएक्शन देखूं, ए ए से क्या बन रहा है, बी प्लस सी बन रहा है, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर वॉल्यूम यहाँ पर कितना लिया गया है, V1 इनिशियल, ये जीरो है, ये जीरो है, टी इक्वल टू टी पर,
ठीक है, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर वी टू, ये कितना हो जाएगा अपने पास, कुछ हो जाएगा, ये भी अपना पास कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट लिखूंगा तो रेट कॉन्स्टेंट क्या बोला जाता है, 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिवाइडेड बाई टी लॉग यहाँ पर कंसल्टेशन इनिशियल और कंसल्टेशन टाइम टी पर। तो कंसल्टेशन क्या है, डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, और कंसल्टेशन हमें किसकी लिखनी होती है, रिएक्टेंट ओनली, जब भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो रिएक्टेंट यहाँ पर इनिशियल वी वन वॉल्यूम में है और टाइम टी पर वी टू वॉल्यूम में है। तो इनिशियल वी वन और फाइनल कितना है वी टू। तो के का जो डेरिवेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग वी वन बाई वी टू इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट रिएक्ट ओनली ए, तो फाइंड के की हमें सही देना होगा। इतना क्लियर होगा आप सभी को, ओके। सो आइए अब बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। तो बी पार्ट जो केस में दिया गया है, टी इक्वल टू जीरो पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट वी वन है और टी इक्वल टू टी पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट वी टू है, और वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो है वो तीनों से ही रिएक्ट कर रहा है, ए बी एंड सी से। तो हमारे पास जो रिएक्शन लिखी हुई है, तो मैं रिएक्शन को यहां लिख देता हूँ, ए बी प्लस सी बना रहा है, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट अपने पास अपने कितना होगा, ए का वी वन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो रहेगा, इनिशियल अमाउंट दिया है, टी इक्वल टू जीरो पर तो रिएक्टेंट होगा, बी और सी रहेगा नहीं। तो टी इक्वल टू टी पर मैंने मान लिया कंज्यूम कितना हो रहा है, एक्स अमाउंट कंज्यूम हो रहा है, तो वी वन माइनस एक्स, तो बी का मुझे पता चल जाएगा और सी का भी पता चल जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट टाइम टी पर कितना है, वी टू है, ये तीनों से है, ए बी और सी से रिएक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ए का अपने पास है वी वन माइनस एक्स, बी का है एक्स और सी का है एक्स, इक्वल टू कितना दिया गया है, टाइम टी पर वी टू दिया गया है, तो यहाँ पर वी टू के भी बराबर में ले लूंगा। तो x से x कंज्यूम हो जाएगा, कट जाएगा, तो v1 प्लस x इक्वल टू कितना होगा, v2, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। इतना अब जैसे कि रेट कांस्टेंट हमें लिखना होता है, तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log कंसंट्रेशन इनिशियल और कंसंट्रेशन टाइम t पर, और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जितना हम लोग मिला रहे हैं। यहाँ पर v1 है इनिशियल, तो टाइम टी पर कितना है, v1 माइनस x, रिएक्टेंट देखना होता है, तो v1 माइनस x, x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, कितनी है, v2 माइनस v1, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय t log v1 अपॉन v1 माइनस, यहाँ पर आएगा v2 माइनस v1, इसको सॉल्व करेंगे तो k आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय t log v1 अपॉन, देखा ध्यान से, v1 अंदर है, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो माइनस v1, ये v2 है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस v1 या प्लस v1, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स v1, माइनस कितना होगा, v2, तो ये अपना क्या होगा, सेकंड केस का एक डेरिवेशन बन जाएगा वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सेकंड केस डेवलप करना है, ओके। तो आइए देखते हैं सी पार्ट इस क्वेश्चन का किस टाइप से किया जाएगा। तो सी पार्ट का जो केस था वो उस टाइप से था, टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वॉल्यूम था v0, t पर है vt और इनफाइनाइट टाइम पर v इनफाइनाइट दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो a b और c तीनों से रिएक्ट कर रहा है। तो अब इसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा, तो मेरे पास रिएक्शन है a क्या बना रहा है, b प्लस c बना रहा है। तो t इक्वल टू जीरो पर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है, v0, ठीक है, ये तो जीरो रहेगा इनिशियल पर, ठीक है। t इक्वल टू t पर ये मैंने मान लिया अभी कि इनिशियल में से x अपना कंज्यूम हुआ है वॉल्यूम, तो a का जो वॉल्यूम रहेगा v0 माइनस x लेफ्ट हो जाएगा, तो b का बता सकते हैं कितना होगा, x, ये भी x हो जाएगा। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट टाइम पर, ठीक है, रिएक्शन का हम पहुंच चुकी होगी एकदम कंप्लीशन की ओर पहुंच चुकी होगी, तो a कितना हो जाएगा, जीरो, और ये कितना हो जाएगा, जो इनिशियल था वो अपने पास बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल कितना लिया था, v0, तो वॉल्यूम बी का कितना होगा, वी जीरो, सी का कितना हो जाएगा, वी जीरो। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट पर कितना वॉल्यूम है, वी इनफाइनाइट, मतलब ए बी और सी का, तो ए का तो जीरो है, बी का कितना है, वी जीरो, सी का कितना है, वी जीरो, ये कितना है टोटल, वी इनफाइनाइट, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टू वी जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी जीरो प्लस वी जीरो इक्वल टू वी इनफाइनाइट, तो v0 इक्वल टू v इनफाइनाइट माइनस v0, किस कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो एक रिजल्ट निकले जा रहा हूं वो अच्छी तरीके से दिखाई देगा, इसलिए मैं इस टाइप से
कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप रिजल्ट कैसे भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन बन दे दिया अभी के लिए। अब मैं टाइम टी पर देख लेता हूँ, तो टाइम टी पर ए का वॉल्यूम है वी जीरो माइनस एक्स, बी का है एक्स, सी का है एक्स, वो कितना दिया है अपने पास वी टी, तो ये वी टी के बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ध्यान से देखेंगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है, तो वी जीरो प्लस एक्स इक्वल प्लस एक्स है ना इक्वल टू कितना है वी टी, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वी टी माइनस वी जीरो हो जाएगा इतना। अब जैसे कि मुझे वी टी माइनस वी जीरो दिया गया है एक्स की वैल्यू, अगर मैं एक्स यहां पर रख देता हूं तो टाइम टी पर जो अपने पास वी जीरो माइनस एक्स है ये कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर रख दिया वी टी, ठीक है, वी जीरो तो अपने पास है ही, ये वाला पार्ट मेरे पास है ही, वी जीरो मेरे पास है ही, एक्स की वैल्यू मैंने रख दी वी टी और माइनस कितना रख दिया वी जीरो, इतना मैं लिख सकता हूँ उस टाइप से, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास अगर मैं ध्यान दू तो टू वी जीरो इक्वल टू कितना है वी इनफाइनाइट, तो मैं इसको अगर देखूंगा ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करके तो टू वी जीरो माइनस वी टी, अब टू वी जीरो कितना है ये टू वी जीरो अपना इनफाइनाइट के बराबर है, तो क्या मैं इसको वी इनफाइनाइट माइनस वी टी लिख सकता हूँ उस टाइप से, ये कितना हो जाएगा वी जीरो माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब मुझे क्या करना है, रेट कांस्टेंट लिखना है, तो अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं तो के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है वी जीरो, और टाइम टी पर वॉल्यूम रिएक्टेंट का ही देखा जाता है वो कितना है वी जीरो माइनस एक्स, ठीक है, तो वी जीरो माइनस एक्स कितना है वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, तो वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, ठीक है। और वी जीरो के फॉर्म में ये भी लिख सकता हूं मैं वी इनफाइनाइट माइनस वी जीरो, यहां से भी ये भी लिख सकता हूं, ये कितना आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग यहां से v इनफाइनाइट माइनस v जीरो डिवाइड बाई v इनफाइनाइट माइनस vt, तो एक रिजल्ट अपना ये भी आ जाएगा, तो दोनों रिजल्ट अपने क्या है करेक्ट ही है, ठीक है। तो देखो मैंने रिजल्ट को बनाने के लिए कुछ टाइप से इसको कन्वर्ट किया था, तो v इनफाइनाइट माइनस v जीरो और v इनफाइनाइट माइनस vt, इस टाइप से हमारा किया जाता है, ठीक है।